आप सभी को नमस्ते। इस वीडियो में हम प्रोटीलाइटिक एंजाइम से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इन कैपहैकिंस एक जो है नेचुरल ऑकरिंग ओपिएट्स पेन रिलीवर है, ठीक है। फिर मेट इन कैफलिन का जो सीक्वेंस है वो ऐसा होता है कि टायरोसिन होता है, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, फिनाइल एलेनिन और मिथियोनिन। तो अभी इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द पेप्टाइड एट पीएच 1, 7 और 10। मतलब 1, 7, 10 पीएच पे क्या इसका नेट चार्ज क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट कुड बी हाइड्रोलाइज इफ एनी बाय डाइजेशन विद ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, साइनोजेन ब्रोमाइड। यदि हम इन तीनों प्रोटीलाइटिक एंजाइम से ये जो आपका इनकैपहैकिंस का पेप्टाइड है इसको क्लीव करेंगे तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोटीलाइटिक एंजाइम जो होता है एक तरह से एक प्रोटीएज है। प्रोटीएज क्या करता है कि इसको हाइड्रोलाइज करता है और यदि कोई पेप्टाइड बॉन्ड है उसको तोड़। और ये जो यहाँ पे है ये सारे के सारे इंडोपेप्टाइड है, इंडोपेप्टाइडेज है। जो बीच में तोड़े उसको इंडोपेप्टाइडेज कहते हैं, जो साइड से तोड़े बिल्कुल ही लास्ट में तोड़े उसको एक्सोपेप्टाइड कहेंगे। तो ये तीनों का तीनों क्या है, ये आपका इंडोपेप्टाइडेज है। और नेट चार्ज क्या होता है पीएच 1, 7 और 10 पे, ये हम अगले स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले ये आप देखिए कि इसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो है इन कैपहैकिंस का वो इस टाइप से होता है। ये टायरोसिन है, फिर ये ग्लाइसिन हो गया, उसके बाद दूसरा ग्लाइसिन ये हो गया, ये फिनाइल एलेनिन हो गया और ये मिथियोनिन हो गया, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो पूछ रहा है कि पीएच 1, 7 और 10 पे नेट चार्ज क्या होगा। नेट चार्ज मतलब आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। टायरोसिन पे जैसे कि आप देखें ये सी एन टर्मिनल है, ये यहाँ पे देखो इसको हम ऐसे यदि लिखें ये एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है। और इसमें किसी के भी साइड चेन में आपका कोई एसिडिक या बेसिक ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका सिंपली इसके जो पीएच होते हैं इसके साइड चेन पे कोई असर नहीं देगा। मिथियोनिन ही क्यों ना हो, मिथियोनिन में ये होता है 2 मिथाइल ग्रुप, फिर एक सल्फर है, फिर आपका एक मिथाइल है। तो ये इसका स्ट्रक्चर किसी में भी साइड चेन में आपका चाहे तो अमोनिया रहता या फिर एसिड ग्रुप रहता तो ये पीएच डिफरेंट होने से उस पर असर पड़ता। तो यहाँ से लेके यहाँ तक किसी पे भी असर नहीं कर रहा है तो असर कहाँ करेगा, एक लास्ट में NH2 है ये मान के चलो यहाँ पे और ये COOH है, ठीक है। तो अब ये देखना है कि क्या असर करता है। तो पीएच 1 पे आपको पता है कि पीएच 1 एसिडिक होता है, जो कोई एसिडिक होता है तो फिर एच प्लस कंसंट्रेशन उस मीडियम का हाई हो जाती है। एच प्लस जैसे ही कंसंट्रेशन हाई होगा तो क्या होगा कि मान के चलिए ये यदि साइड चेन NH2 है तो ये NH3 हो जाएगा, एक और N जुड़ जाएगा, एक H और जुड़ जाएगा और इस पे ओवरऑल चार्ज +1 आ जाएगा। और यहाँ पे यदि मान के चलो यहाँ पे एच नहीं है तो ये एक और एच आ जाएगा, ये एसिड ग्रुप बन जाएगा और कुछ नहीं, तो इधर कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। तो ओवरऑल यदि पीएच 1 पे देखेंगे इस पेप्टाइड का तो +1 चार्ज हो जा रहा है। यही बात यदि पीएच 7 पे देखें, पीएच 7 पे क्या होता है कि एच प्लस कंसेंट्रेशन इक्वल टू OH माइनस कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो इस पीएच को हम एक तरह से न्यूट्रल पीएच भी कहते हैं। और इस पे जो किसी भी पेप्टाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका ड्यूटेरिनिक आयन फॉर्मेशन करता है। और ड्यूटेरिनिक आयन फॉर्मेशन में क्या होगा कि यह जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो एसिड ग्रुप रहेगा वो उस पर COO- और यहाँ पे क्या रहेगा NH3+।
तो ये नेट चार्ज यदि देखें तो एक ये प्लस हो गया, एक ये निगेटिव हो गया, एक प्लस एक माइनस टोटल यदि कैंसिल आउट हो जाता है तो नेट चार्ज जो होता है ये जीरो हो जाता है एच पी एच 7 पे इस इनकैपहैकिंस पेप्टाइड्स का, ठीक है। अब यदि पीएच 10 पे देखें, पीएच 10 में क्या हो गया कि सीओएच कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है एच प्लस कंसंट्रेशन से, तो इस कंसंट्रेशन में क्या होगा, और ये कंसंट्रेशन कम हो जाती है एच प्लस की, तो एच प्लस की कम होती है तो यहाँ से एक एच हट जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज हट के ये नॉर्मल NH2 फॉर्म में आ जाता है, और यहाँ पे क्या होता है कि एक एच हट जाता है तो इस फॉर्म में आ जाता है। तो अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल यदि देखा जाए पीएच 10 पे तो -1 चार्ज आ जाता है। यही था हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि ये था कि व्हाट इज द नेट चार्ज एट पी ऑफ द पेप्टाइड एट पीएच 1, 7 और 10। तो 1 पे आप देख ले कि +1 है इस पेप्टाइड का, और 7 पे 0 है और 10 पे -1 है। अब हम दूसरा क्वेश्चन जो इसी में पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट कुड बी हाइड्रोलाइज्ड बाय दीज पेप्टाइड्स। तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और साइनोजिन ब्रोमाइड। ट्रिप्सिन जो कट करता है, मान के चलिए कि ये जो कट करता है ये मान के चलो आर, ट्रिप्सिन कट करता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड पे, और एरोमेटिक अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन है, लाइसिन है, ल्यूसिन है, ठीक है। तो फिनाइल एलेनिन कहाँ पे, टायरोसिन कहाँ कट करेगा, फिनाइल एलेनिन के बाद कट करेगा, लेकिन ये आर आर वन है और ये आर टू है, आर टू प्रोलिन नहीं होना चाहिए इस ट्रिप्टिन टायरोसिन के केस में, ठीक है। ऐसे कैमोट्रिप्सिन, हाँ मैं यहाँ पे गलत बोला कि ट्रिप्सिन जो होता है वहाँ पे कट करता है जहाँ पे आर्जिनिन और लाइसिन रहे, और लेकिन आर टू जो है उस केस में आपको वो नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं, प्रोलिन नहीं होना चाहिए। वही कैमोट्रिप्सिन की यदि बात करें, कैमोट्रिप्सिन में एरोमेटिक अमाइनो एसिड इंक्लूडिंग एक ल्यूसिन भी होता है, उसके बाद कोई प्रोलिन ना रहे, और इसके कार्बोक्सिल टर्मिनल पे भी कट करता है। और ये आप देख लीजिए कि ये जो है ये आपका है इसका एन टर्मिनल, ये है सी टर्मिनल, ये है इसके एन टर्मिनल, ये है इसके सी टर्मिनल, ये है इसके एन टर्मिनल, ये है इसका सी टर्मिनल। तो यदि ट्रिप्सिन की बात करें तो ये यहाँ कट करेगा एरोमेटिक अमाइनो एसिड के बाद, और यहाँ पे प्रोलिन रहता तो ये नहीं कट करता। तो यदि क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया है कि ट्रिप्सिन कहाँ कट करेगा, कैमोट्रिप्सिन कहाँ कट करेगा, एक साइनोजिन ब्रोमाइड, साइनोजिन ब्रोमाइड मिथोनिल के कार्बोक्सिल टर्मिनल पे कट करता है, ये इसका कार्बोक्सिल, लेकिन कार्बोक्सिल टर्मिनल के बाद कुछ है ही नहीं तो क्यों कट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस केस में यदि क्वेश्चन में पूछा गया कि ट्रिप्सिन कहाँ कट करेगा, तो ट्रिप्सिन लाइसिन आर्जिनिन के बाद करेगा, तो इस पेप्टाइड में कहीं लाइसिन है ही नहीं, आर्जिनिन है ही नहीं, तो ये कहीं भी कट नहीं करेगा। यदि तो इसमें ट्रिप्सिन के केस में जीरो कट हो गया। कैमोट्रिप्सिन कहाँ कट करेगा, कैमोट्रिप्सिन एरोमेटिक अमाइनो एसिड के बाद करेगा कट, बशर्ते उसके अगला जो है उसके सी टर्मिनल के उस साइड प्रोलिन ना हो। तो यहाँ पे मिथ्योनिन है, प्रोलिन है नहीं, ये फिनाइल एलेनिन है, तो एक यहाँ कट करेगा, और कहीं पे ना तो कोई लिसिन है ना कोई एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, तो काइमोट्रिप्सिन जो है एक कट लगा रहा है, ठीक है। अब है साइनोजिन ब्रोमाइड। साइनोजिन ब्रोमाइड हम पहले ही बता दिए कि मिथ्योनिन के बाद कोई कंपाउंड होना चाहिए था प्रोलिन छोड़ के, तो ये कार्बोक्सिल टर्मिनल पे कट करता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी टूटा हुआ है तो क्यों काटना। तो इस केस में भी मिथ्योनिन भी कोई भी कट नहीं करेगा इस पेप्टाइड को। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि ये नंबर ऑफ बॉन्ड दैट कुड बी हाइड्रोलाइज बाय डाइजेशन विथ दिस, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हाइड्रोलाइज कर रहा है, ट्रिप्सिन 0, कैमोट्रिप्सिन कितना कर रहा है 1, साइनोजिन ब्रोमाइड कितना कर रहा है 0। तो ये हमारा क्वेश्चन था एक, जो कि हमने पहला और दूसरा दोनों सॉल्व कर दिए हैं। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है कि एक पेप्टाइड है जिसको कट करा गया साइनोजिन ब्रोमाइड से, तो उसमें दो मिला इनको सीक्वेंस, एक ये और एक ये,
ठीक है, ऐसे ट्रिप्सिन से कट किया तो इनको इन पहले जो ट्रिप साइनोजिन ब्रोमाइड मिला उससे डिफरेंट पेप्टाइड मिला। अब ये पूछ रहे हैं कि इसका सीक्वेंस क्या होगा, तो सीक्वेंस तो सिंपल है, चाहे तो इसको अरेंज कर लो, एक के बदले एक के नीचे दो लगा लो, या एक दूसरा सिंपल है, आपको पता है साइनोजिन ब्रोमाइड जो है मिथुनिन के बाद कट करता है, मिथुनिन के बाद कट कर रहा है, तो साइनोजिन ब्रोमाइड मिथुनिन के बाद ग्लाइसिन, ये सीक्वेंस यहाँ ऐसे हो जाएगा। सिंपल सी पता चल गई बात कि भाई मिथुनिन के बाद कट करता है तो मिथुनिन के बाद यही आएगा, ये सीक्वेंस हो गया। और ट्रिप्सिन कहाँ कट करता है, लाइसिन आर्जिनिन के बाद, तो लाइसिन ये रहा, और उसके बाद फिर ये एलेनिन आ जाएगा, फिर ग्लूटामिन आ जाएगा, ये सीक्वेंस हो गया। और यदि इसको जो मान के लिए बात यदि समझ में नहीं आए तो अब क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि सेरीन को उठाओ और मिथ्योनोन के लो, फिर इसके ही नीचे ये सीक्वेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सेरीन मिथ्योनिन ग्लाइसिन थ्रियोनिन और लाइसिन। अब इसको ग्लाइसिन को लिख लो, ग्लाइसिन यहाँ से यहाँ भी ग्लाइसिन आ जाएगा, थ्रियोनिन आ जाएगा, लाइसिन आ जाएगा, एलेनिन आ जाएगा और ग्लूटामिन आ जाएगा, और यहाँ पे भी एलेनिन और ग्लूटामिन चौथा वाले में भी, और यहाँ पे अब देख लो जो ओवरलैप कर रहा है उसको एक काउंट करो और एक आप सीक्वेंस, तो आपको इससे भी आपको पता चल जाया है कि पहले सीरीन आएगा, फिर मिथ्योनिन आएगा, फिर ग्लूटामिन आए ग्लाइसिन आएगा, फिर थ्रियोनिन आएगा, फिर आपका लाइसिन आएगा, फिर एलेनिन आएगा, फिर ग्लूटामिन आएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम ऐसे ही कंसेप्ट बेस्ड कोई एक टॉपिक लेंगे, एक कंसेप्ट देखेंगे, उस पर एक दो क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।